हाय गाइज, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक इक्विटी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ओप्पो रेनो 7 में सोटस सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। सोटस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको सेटिंग में ना, सो गाइज सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। जैसे फ्रेंड्स आपको अपने फोन में सोटस सेटिंग अनेबल करना है, उससे पहले आपको अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा, तभी फ्रेंड्स आप अपने फोन में सोटस सेटिंग अनेबल कर पाएंगे। और अगर आपको अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन अनेबल करना है तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन में आके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना डेवलपर ऑप्शन पहले से अनेबल कर रखा है। सो फ्रेंड्स, मैं डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सोटस एप्स का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सोटस सेटिंग। अगर आप इस सेटिंग को अनेबल कर देंगे तो फ्रेंड्स आपकी सोटस सेटिंग अनेबल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को अनेबल करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को अनेबल करने के बाद आप अपने फोन की स्क्रीन पर टच करेंगे तो आपको सोटस दिखाई देगा। सो गाइज, इस तरीके से आप सोटस सेटिंग को अनेबल कर सकते हैं। और गाइज, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।